शो बिग बॉस सीजन 13 का फिनाले खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कंटेस्टेंट के बीच बहस जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिनाले के बाद लगातार इन सभी कंटेस्टेंट के इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, तो वहीं इन इंटरव्यूज के दौरान कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज की इस रिपोर्ट में हिमांशी खुराना, आसिम रियाज और शेफाली जरीवाला के बारे में। जी हां, जब हिमांशी खुराना घर से बेघर हो गई थी तो शेफाली ने आसिम को लेकर कई ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर हिमांशी खुराना ने अब जवाब दिया है। दरअसल आप सभी को बता दें कि हिमांशी खुराना, आसिम और शेफाली की बॉन्डिंग शो में बहुत ही अच्छी देखने को मिली थी। ऐसे में जब हिमांशी इविक्ट हुई शो से तो यहां पर शेफाली ने कहा कि आसिम उनसे फ्लर्ट करते हैं बावजूद इसके कि मैं शादीशुदा हूं। ऐसे में फैंस लगातार इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार हिमांशी क्या कहती हैं उनकी इस बात पर। हिमांशी कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं या ऐसा क्यों महसूस कर रही हैं। मैं उन्हें वाकई में इज्जत देती हूं क्योंकि उनसे मेरा काफी गहरा बॉन्ड रहा है। मैं सही मायने में आसिम और उनके बीच में फंस गई थी क्योंकि मेरी दोनों के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है। हिमांशी ने यह भी कहा कि उनके बीच पहले से ही मतभेद थे, दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ मेरी वजह से जुड़े हुए थे। चोट पहुंचाने वाली बात पर मैं ये कहना चाहती हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आसिम के ज्यादा करीब हूं, इसलिए उनके लिए बहुत परेशान हूं। एक बात तो एकदम साफ है कि शेफाली ने जो कहा वो कभी नहीं हुआ, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हिमांशी खुराना ने शेफाली को लेकर ये तमाम बातें कही। ऐसे में आप क्या कहते हैं हिमांशी के इस इंटरव्यू को लेकर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से। प्रांशी की रिपोर्ट।